प्लीज मामा के लिए इस तरह बात मत करें आली, प्लीज। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ की असलियत आ जाए ना, जितनी नफरत मैं उससे करता हूँ ना उतनी तुम करोगी उससे, समझी तुम? ये तुमने क्या कर दिया है अम्मा? कितनी उम्मीदें थी तुम्हारे साथ, ये सिला दिया तुमने मुझे। क्या किया तुमने अपनी जिंदगी के साथ? सब कुछ खत्म कर दिया, पूरी जिंदगी की मेहनत पे पानी फेर दिया तुमने। मेरी कोई गलती नहीं है। झूठ मत बोलो, बार बार मैं तुमसे पूछती थी बता दो कौन है, मुझे अंदाजा था तो कोई लड़का है, लेकिन नहीं, तुम तो डटी रही, कहती रही कोई नहीं है। शर्म नहीं आई तुम्हें? ये करके आ गई हो तुम। नहीं बताता, नहीं बताता, बिल्कुल भी नहीं बताता है मुझे, इतना धोखा खा लूंगा, नहीं बताता मुझे। शुक्र करो तुम्हारा भाई घर पे नहीं है, अगर भाई घर पे होता ना तो तुम्हें और मुझे दोनों को मार देता अभी। उस तो वाह, मैं क्या करूंगी? हाय अल्लाह मियां, भाई को नहीं बताएगा? मैं हाथ जोड़ चाहूंगी, भाई को नहीं बताएगा, मुझे जान से मार देंगे। चुप कर जाओ, सोचने दो मुझे। मेरी मामा ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती मामा, मेरी मामा ऐसा नहीं कर सकती मामा। या नहीं, ये क्या हो गया, मेरी मामा ऐसा नहीं कर सकती। काश एहसन, काश मैं तुम्हें पहचान सकती, हमारी नीयत जानने से पहले ही तुम्हें धुतकार देती। मेरी जिंदगी बच जाती, मैं अपनी जिंदगी बचा लेती। माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। अंबर, कुछ गलतियां कुछ गुनाह ना माफी के काबिल नहीं होते, लेकिन गुनाहगार को सजा तो मिलनी चाहिए ना। आप इतनी कमजोर नहीं है, आप सब कर सकती है, आप सब कर सकती है। मुझे उसका अपार्टमेंट पता है, हम वहां जा सकते हैं, उसे पकड़ सकते हैं, कोशिश करें तो उसके घर भी जा सकते हैं। मॉम मदद कर दे, मॉम चले, मॉम प्लीज। नेहा, 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 वो मैंने जरा तसल्ली से अंबर से बात की ना तो असल कहानी ये निकली है
के नादानी में और बचपने में ना उसने एक यकतरफा दिली दिल में ना किसी से मोहब्बत कर ली है। आज उसे इजहार करने गई तो उसने आगे से मना कर दिया। उसे बेचारी परेशान होगी और उस हालत में पता नहीं घर आके क्या क्या कहती रही है। लेकिन अम्मी अंबर ने तो, अरे यही कहानी है ना, यही हुआ है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। जो तुमने सुना है ना वो घबराहट में पता नहीं क्या क्या कह दिया उसने। देखो जैसे तुम इस घर की इज्जत हो ना, अंबर भी इस घर की इज्जत ही है ना। जो कुछ सुना उसे भूल जाओ, इस घर के बाहर ना किसी से बात नहीं करना, और आसिम को तो बिल्कुल ही पता नहीं चलना चाहिए। क्या छुपा रही है मुझे? नहीं नहीं, वो मैं नेहा को ऐसी कुछ समझा रही थी। क्या समझा रही थी मुझे बताएं? हमारे आपस की बात है, तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? अंबर बहन है मेरी अम्मी, उसका हर मामला मेरा मामला। मुझे बताएं क्या बात है नेहा, क्या बात है? ठीक है आसिम, मेरी बात तो सुनो आसिम, तुम तो ऐसे ही रिएक्ट कर जाते हो। अंबर क्या छुपा रही हो मुझसे? अरे आसिम क्यों डांट रहे हो उसको? मैं इससे पूछ रहा हूँ कि आप सब क्या छुपा रहे हैं मुझसे, बात क्या हुई है? अच्छा ठीक है, तुम मुझे डरो मत, मैं भाई हूँ तुम्हारा, प्लीज मुझे बताओ, मुझे देख के बात करो ना, क्या हुआ है? अरे सवाल जवाब का वक्त नहीं, उसका हाल देखो, रो रही है, तुम जाओ, मैं अपनी बच्ची को संभालूं। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। बैठ जाओ चुप करके तुम। तुम्हें मार देते तो बेहतर होता, जो हरकत तुमने की है ना माफी के लायक नहीं है। ममता के हाथों मजबूर, इसलिए तुम्हें मैं बचा रही हूँ। गलती हुई है, लेकिन जिसने धोखा दिया उसे सजा दिलवा दे। किसने तुम्हें धोखा दिया है? हाँ बोलो, कोई नाम तो होगा ना, बताओ। एहसन। एहसन? एहसन कौन? अता पता क्या है? नंबर है, घर का एड्रेस है, मैंने उसे बात करनी है। नंबर है ये लो, मिलाओ, बात कराओ मेरी। चलो ये तो बंद आ रहा है, कोई और नंबर है तुम्हारे पास? तुम्हारे साथ।